सलाम अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होगे और मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के फजल करम से। तो बस मैं सोच विचार रही थी कि सर्दियाँ कुछ आगे बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए। बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए कोई गर्म चीज़ें होनी चाहिए, जैसे क्या हो सकता है मौसम में उनके लिए। ये भांडा बोलते हैं कुछ लोग, पंजीरी बोलते हैं कुछ लोग, इसको ABC बोलते हैं, ये मुख्तलिफ इसके नाम है। तो मुझे इनको बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो वो है मुझे चक्की की ज़रूरत और साथ दलिया भी होगा। तो इसमें साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि वो नानो दादों की तरफ से आती थी चावलों की पिंडियाँ, अलसी की पिंडियाँ। तो ये सब चीज़ें बच्चों की सर्दी की सौगात होती है, तो हमें चक्की की बेहद ज़रूरत है। तो मैं अपने बाबा से बोला कि मुझे चक्की घर में ही बना के दे, मैं उससे खुद काम करूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि खुदा ये दलिया बाज़ार से लिया जाता है तो इतना महंगा होता है, तो फिर भी वो गंदा होता है, लेकिन हम खुद ही अपनी गंदम साफ करेंगे, उसको भूनेंगे और फिर मैं खुद दलिया बनाऊँगी, तो जो फिर वो बना के आपको दिखाऊँगी। ये देखे, ये हमारी चक्की तैयार हो चुकी है। ये नीचे वाला हिस्सा इसका और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है। नीचे वाला हिस्सा पहले हम आपको क्लियर करते हैं कि इसका हमने क्या किया है। ये देखे, इसके नीचे हमने ये बैरे लगाए हैं। ये भारी चक्की भी फिर सकती है और लूज चक्की भी फिर सकती है। लूज चक्की उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम इसमें दालें और दलिया बनाएंगे, तो जब आटा बनाना होगा तो फिर हम इसको भारी चक्की करेंगे, उसकी चाबी जो है ज़्यादा कस देंगे तो फिर वो सख्त हो जाएगी, उसके साथ हम फिर आटा पीस सकते हैं। तो चक्की तो माशाल्लाह हमारी तैयार हो चुकी है, आइए हम इसको आपको फेर के चला के दिखाते हैं। नाजरीन ये देखे, ये मेरे बाबा जान ने मुझे बहुत हल्की चक्की बना के दी है, कि जो मैं देखे कितने चक्कर आ रही है, ये बहुत हल्की बना के दी, मैं छोड़ नहीं दूँ कितनी चक्कर ये खाएगी, इतनी अच्छी और इतनी लूज बना के दी है। तो ये दाल और दलिए के लिए इतनी फ्री चल रही है, अगर आटा पीसना होगा तो उसके लिए ये भारी करना पड़ेगी, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कैसे करते हैं। हाजरी ये चक्की तो मुकम्मल हो चुकी है, अब हम इसका स्टैंड बनाएंगे, चौकी बनाएंगे, फिर उसके ऊपर रख के हम आपको तमाम चीज़ें पीसना और बताएंगे कैसे पीसी जाती है। नाजरी ये देखे, ये चौकी हम तैयार करने लगे थे तो ये हमारी कामयाब नहीं हुई लकड़ की, तो हमने अब इसको छोड़ दिया है और बाबा जानी ने ये मुझे दूसरी चौकी तैयार करवा के दी है। ये जो लोहे का स्टैंड है अब ये माशाल्लाह अच्छे तरीके से तैयार हो गया और प्यारा लग रहा है, और हम इसको पास बैठ के तो अच्छे तरीके से घुमा सकेंगे। ये देखिए, ये मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन हम आज दलिया बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम गंदम को साफ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं ज़्यादा दलिया बनाऊंगी क्योंकि मैं हर सीज़न में 1.5 किलो दलिया बनाती हूँ, पूरा सीज़न चलाती हूँ, तो सबसे पहले इसको मैं साफ कर लूँगी। ये जैसे ये सब हो जाए, अब मैं इसमें से मिट्टी वगैरह उठा लूँगी, ये मिट्टी है इसके अंदर, तो वो मैं साफ़ कर लूँ। साफ करके तो फिर इसको चूल्हे पे भूनेंगे। ये देखिए, इसकी हमने सफाई कर ली है, तो अब मैं इसको भूनूंगी, फिर अच्छे तरीके से पसाई हो जाता है, यानी कि दलिया अच्छे तरीके से बन जाता है और जल्दी बन जाता है। ये बाकी भी मैंने इसी तरह सारी साफ़ कर ली है, अब मैं इसको भूनना शुरू करती हूँ।
ये आग तो जल चुकी है, तो अब ऊपर रखते हैं कढ़ाई और गंदम भूनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन ये देखे, ये गंदम भून के हमने तैयार कर लिया है, तो अब हम इसका दलिया बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो बनाने की कोशिश करनी है कि ये दाने ऊपर ना गिरे, अगर ऊपर गिर गए तो ये दलिये में शामिल हो जाएंगे। दलिया बारीक होता है और ये फिर मोटे गिर जाएंगे, तो दलिया ऐसा नहीं पकेगा। बड़ा इनके हाथ से डालना पड़ेंगे, ये गंदम अगर भुनी हुई हो तो बड़ा चक्की हल्की होती है और बनता है। जाएंगे और गंदम डालते जाएंगे। इसी तरह इसको आस्ता आस्ता घुमा कर आपको पार्टी भी, अभी तो थोड़ा सांस ही फूल गया है चक्की घुमाने से, तो इसी तरह ये सेना कर लेंगे। आपके सामने इसी तरह सारा पीस लूँगी। ये 20 किलो माशाल्लाह बना लें, बाहर थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, थोड़ा घंटा घंटा लगेगा। देखिए हम ये इसी तरह आस्ता आस्ता सारा पीस लेंगे, और इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये आस्ता से इसके अंदर गाला डालना है,
ये सब ठहर के डाल दे, क्योंकि ये दाने ऊपर गिरते तो दलिये में गिर जाते हैं। ये दलिया पकाते वक्त दाने इसके गंदक के या गाले होते हैं वो कच्चे रह जाते हैं, फिर गाला को अच्छे डाल दें। इस बात का खास ख्याल रखें। और फिर सारा काम सारा का सारा माशाल्लाह आप पीस लेंगे, आपके सामने काम हो रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, अगली वीडियो में मिलेंगे। नाज़रीन ये देखे, ये दाल तो हमारी पीस के मुकम्मल हो गई है, तो पकाया काम हम बाद में करते हैं। नाज़रीन ये देखे, दलिया तो बन गया, तो इसके अंदर आटा भी होता है थोड़ा बारीक सा, तो इस वजह से हम उसको छान लेंगे। अगर ना छानेंगे तो पकाते वक्त ये बर्तन के फेंदे के साथ लगेगा, इसलिए हमें इसको थोड़ा छान लेना चाहिए पहले। ऐसे करके सारे का सारा इसी तरह मैं छानूंगी। छानने से देखते जाइए, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि इसको क्या करना है। ये तो मैं चूजू के आगे डाल दूँगी, ये वाला गीला करके, तो ये वाला हम खुद पकाएंगे। तो इसी तरह बकाया भी करूँगी और देखते जाएं इसको। अब इसका और भी ये प्रोसेस होता है कि इसको हम थोड़ा छाटना भी पड़ता है, वो इसलिए कि देखिए इसमें से हल्का फुल्का छिलका भी उड़ना है। अभी देखिए ये उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ऊपर ऊपर से छिलका इसका घिस के दे। काम इसका माशाल्लाह ज़्यादा ही है। तो चक्की मैंने इधर से उठा ली है, क्योंकि ये मेरी चक्की जो है ये टेम्प्रेरी है, एक जगह पर फिक्स नहीं की हुई, तो जहाँ दिल चाहे रख लेती हूँ, छाँव में रख लूँ, दूध में रख लूँ। माशाल्लाह ये अच्छे तरीके से अभी तैयार हो गया, ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखे, माशाल्लाह देखे कितना अच्छा बन चुका है अभी। अगर हमारा दलिया बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।